कहाँ जा रही हो इतनी थैलियाँ उठा के तुम? हैं? नानी के लिए जा रही है भाई। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो गाइस हम लोग अम्मी नानी से मिलने जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मा के घर तकरीबन 2-2.5 साल बाद, तो आपको भी हम लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं अपनी अम्मा से। चलो ब्रंच चल रहा है तुम्हारा क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? नानी के। क्या लेके जा रहे हो? 2 साल का बच्चा भी है। गिफ्ट मैं भी उनके लिए गिफ्ट। क्या लेके जा रही है? 1 साल की मिठाई। मिठाई के बच्चा लिए वो मिठाई सब आराम है क्या? अच्छा खाना हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं और हमने बाहर से मंगाया खाना और हमने मंगाई है यहाँ पे बीफ हरी और साथ बिरयानी वो भी मौसम के काफ़ी टाइम के बाद हमने मंगाई है ना। वो बिरयानी भी दिखाओ भाई। ना यार क्या चल रहा है? तो ये है नानी का घर माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है। तो ये हमारी नानी है माशाल्लाह से और
ये इनका घर है और मामा के मामू माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई है नानी से भी और इनसे भी। और जरा तुम चाय पी रहे हो और मम्मा आप कहीं जा रही है? जल्दी से काम करके आ रही है, इंटरव्यू करते हैं बस। अभी तक बताएं मम्मा नहीं आई अभी तक वो लेके, मम्मा इसकी इसके लिए ला रही है नाए के लिए कुछ चप्पल ला दी है और तुम गुस्सा कर दी थी अभी क्या हो गया है ना? जोएक के साथ गई है ना? हाँ जोएक के साथ गई है। तो आज हमने पूरा दिन बहुत बिजी गुजारा है और हम आए हुए अम्मी के पास और अम्मी से मिलवाते हैं। चलिए आप इधर आ जाएं, इधर टर्न कर लें भाई, इधर टर्न कर लें। हाँ अब आपका इंटरव्यू होगा, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। अनाया को बहुत याद कर रही थी मैं। अनाया को याद कर रही थी, अनाया आ गई मिलने के लिए, आ गई आपसे। और यूट्यूब फैमिली को भी तो सलाम कर दें आप। हाँ वो सब आपको देखेंगे, हाँ वो सब आपको देखेंगे ना, सब आपको देखेंगे, सब आपको फिर वालेकुम सलाम कहेंगे, आपके लिए कमेंट्स देंगे। तो मैंने कहा आज मैं आपको अपनी अम्मा से मिलवा दूं, और मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तकरीबन 2 साल बाद। तो बस आज जो है काफ़ी बिजी गुजरा है दिन, और आज का बस ब्लॉग यही है। जो भी है आप लोग भी अपने कमेंट्स पहुँचाइएगा, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ एक डिटेल इंटरव्यू करवाएंगे अम्मी का। भाई नानी अम्मी जो है वो शेर सुनाएंगी आपको, और शेर सुनाए अभी तक ना मुकम्मल है बारह जज्बे दिल को मेरे कदमों को मेरे सिर से याद करते हैं। वाह 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 समझ में हाँ जबरदस्त। जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर भेजा वही कागज हमने उसे लिखा कुछ भी नहीं। बातें ऐसी होती हैं खत में लिखी जाती नहीं, दरिया में पानी बहुत है प्याली भरी जाती। अनाया आओ नानी के साथ, तो आओ आप जल्दी से आओ नानी, YouTube फैमिली को हेलो तो कर दो, नानी को देखो ना, आओ आ जाओ। और ये अनाया जो है ये मस्ती कर रही है इस वक्त, और अम्मी ने नया घर लिया है, तो अभी नया घर सेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हम आपको होम टूर भी कराएंगे अम्मी के घर का, और जब आप लोग कहेंगे तो हम आपको टूर कराएंगे। बड़ा अच्छा घर है, लेकिन अभी सेट हो रहा है और सेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है ना। मामू से भी मिलवा देते हैं। ठीक है कुछ भी बोले अभी सुनाया तो है दो छह याद आ रहा है। कैसा तूफान उठाया है आपने नगमे मेरे बिखर गए, बदली नजर जो आपने तो मौत से पहले ही मर गए। कुछ बातें ऐसी होती हैं खत में लिखी जाती नहीं, दरिया में पानी बहुत है एक प्याली भरी जाती नहीं। अच्छा होता है ये दुनिया रंज और राहत का गलत अंदाज रखती है, खुदा खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है। हुए दिलों को जुड़ते हुए देखा नहीं किसी ने, जो अंग गिर जाते हैं उठाए नहीं जाते। वाह 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 बहुत मजा है, आज पूरा दिन भी निकल गया। मजा आया तुम्हें? मेरे पास आ रहा चले मामू, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। हेलो वापस करो, जी अल्लाह
घर हम पहुंच गए हैं। खाना हम मोहसिन से लेते हुए आए थे, धागा कबाब और साग टिक्का है, चटनी है, पराठा है और अनाया को भी भूख लगी हुई। मज़ा आया नानी के? मम्मी इसको बोलो ये परेशान करेगा ना, मैं इसको फिर मस्ती करूँगी इसके साथ। अच्छा, तो मैं परेशान। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है और मैंने बस जस्ट अभी शावर लिया है। अनाया सो चुकी है क्योंकि वो बहुत थक गई थी और मैं भी बहुत थक गई हूँ। और आज मैंने बहुत टाइम बाद जो है रिक्शे में भी ट्रैवल किया है, लेकिन ये कि वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी, थोड़ा सा एरिया ऐसा था। तो हम जो है क्योंकि आसपास काफ़ी मार्केट्स हैं, तो मैं और जोहेब उसमें गए थे। मेरे पैर में भी चोट लग गई है यहाँ पर ना, क्योंकि यूज़ टू नहीं हूँ मैं, और बहुत टाइम बाद जो है रिक्शे में बैठे, लेकिन बड़ा मज़ा आया। और आज अम्मी से भी तकरीबन 2.25 साल बाद मेरी मुलाकात हुई है, और काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और सेहत जो है उनकी काफ़ी डाउन है, तो बस काफ़ी खुश हो गई देखकर। और यह है कि अब हमारी कोशिश होगी कि हम उनका ख्याल रखें जितना हम रख सकते हैं। और पहले भी वो हमारे साथ ही होती थी, लेकिन ये कि अब वो अपने अपार्टमेंट में होती हैं। और उम्मीद है आपको अम्मा पसंद आई होंगी, और अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा क्योंकि कल वो भी आप लोगों का ये वाला ब्लॉग देखेंगी और फर्स्ट टाइम वो भी यूट्यूब पे आएंगी, तो अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा उनके लिए। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।